कांग्रेस नेता लोकेश पटेरिया ने आरोप लगाया है कि गांव के लोगों की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर एक अतिथि शिक्षक पहले रकम फाइनेंस करता है, उसके बाद लोगों से मुंह मांगा सूद वसूलता है, जिससे गांव के लोग काफी परेशान हैं। सूदखोरी पर भले ही प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन डिंडोरी जिले में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक मुनाफा कमाने का व्यापार जमकर फल फूल रहा है। जहां एक अतिथि शिक्षक लल्लन साहू पर कांग्रेस नेता लोकेश पटेरिया ने सूदखोरी का धंधा करने का आरोप लगाया है, थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग भी की है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अतिथि शिक्षक ने भोले भाले आदिवासी शिक्षकों को रकम फाइनेंस की, इसके बाद मुंह मांगा सूद वसूल रहा है। अतिथि शिक्षक के बारे में बताते हुए गाँव वालों ने कहा कि लोगों का फायदा उठाकर उसने लाखों रुपए का बेशकीमती मकान बना लिया है। इस मामले में अतिथि शिक्षक लल्लन साहू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बता रहा है। मैं सर 2018 में लल्लन साहू अतिथि शिक्षक है, ये पड़रिया बजाक का रहने वाला है, उससे 1,30,000 लिया था कार खरीदने के दौरान। इसके बाद पिताजी के तबीयत खराब में मैं 50,000 और लिया सर उससे। इस प्रकार 1,80,000 का चेक भर के दिया था। एक साल बाद मुझे परेशान करने लग गया, बोले मेरे को पैसा दो। अब मेरे पास उस समय व्यवस्था नहीं थी सर, तो बोला उनको, तो बोलने लग गए कि ये कार मेरे नाम करा दो, नहीं तो मैं चेक बाउंस कराऊंगा और जेल भेजवा दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। धमकी देने लगा सर, जगह जगह मेरे को जलील करने लग गया। तो मैं उस कार को उसके नाम में एफिडेविट कराया। इसके बाद सर मेरे पास पैसे हुए, जब ये 2021 में 3,95,000 रुपया दिया उनके अकाउंट में, मैं डायरेक्ट चेक के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद भी मुझे कार वापस नहीं कर रहा है और परेशान कर रहा है सर, और पैसे की मांग कर रहा है, मेरे को ब्याज में दो और पैसे कह रहा है। एसपी कार्यालय में करा था सर मैं अप्रैल महीने में 17/4/2023 को, पर कोई सुनवाई नहीं हुई सर। ताजा मामला जो भी आप सभी लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है, सूदखोरी का एक मामला है जिसमें आदिवासी शिक्षकों और कुछ अन्य समाज के भी शिक्षक हैं, उनको लगातार प्रताड़ित करके, उनके ब्लैंक चेक भरवा करके और लगातार उनसे मतलब अवैधानिक तरीके से उनकी राशि का आहरण किया गया, उनकी राशि को लूट लिया गया एक तरह से। यहाँ भी जो सूदखोरी का मामला है उसमें एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही लिप्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके लोग, जिले के पदाधिकारी, सभी लोग उनका बचाव कर रहे हैं। मैंने आवेदन पढ़े हैं, दोनों ही जो शैल कुमारी सांडिया है और सुरेश्वर जी हैं, शिक्षक हैं दोनों। और एक और कब मैंने वीडियो वीडियो देखा है पट्टा जी का, वो बसनिया में उन्होंने बताया कि वो लकड़ी बेचकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। तो इस तरह की स्थिति बैगा भाइयों की हमारी कर दी गई है, आदिवासी भाइयों की कर दी गई है। इसी के विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है कि अतिशीघ्र इस मामले में कार्रवाई करें, जिससे किसी भी आदिवासी को आने वाले समय में प्रताड़ित न हो। ब्याज में कुछ पैसे लिए रहे होंगे और जो इनके लल्लन साहू जी के द्वारा पड़रिया डोंगरी से उनसे ब्याज में पैसे लिए होंगे, इनका शिकायत है कि उनके द्वारा इनको दबाव देकर इनकी गाड़ी भी अपने पास जब्त की गई है। ब्याज के नाम से काफी पैसा इनसे लिया जा चुका है और अभी भी उस चीज से पीड़ित हूँ करके इनकी जानकारी दी है। पूर्व में भी इन्होंने 2-3 महीने पहले थाने में भी शिकायत की है, एसपी साहब को भी इसकी जानकारी दी है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी इनकी अपनी जो समस्या सुना है इसमें निराकरण होना चाहिए, इनकी कार्रवाई होना चाहिए। जो बजाक में साहूकारी के ब्याज के नाम से जो पैसा और इस टाइप की जो परेशानियां इन्होंने मुखाकर रूप से जो बताए हैं। नहीं सर, क्या है कि पहले दीपक हमारे यहाँ साथ में किराए से रहते थे, लगभग वो 18-19 साल से यही बजाज में प्रस्त हूँ और हम लोगों के अच्छे मित्र व संबंध होने के कारण उसी बीच में हमने वो जमीन क्रय की थी एक, जो कि दीपक के नाम में, और फाइनेंशियल सपोर्ट मेरा था उसमें और दीपक अभी साथ में उसी कैंपस में हम लोग एक साथ रह रहे हैं। लागत तो सर ज़्यादा ज़्यादा उस समय क्या 15-20 लाख में बन गया था दीपक की आय, उसमें भी धीरे धीरे करके बनाया गया है, एक एक दो दो लाख रुपये लगा करके, ऐसा नहीं कि हट्टा एकदम बना हुआ है। वो सब सर आरोप लगाने वाले तो कई प्रकार का लगाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बजा लिया। कौन सी पोस्ट में? कितनी सैलरी मिलती है आपको? मतलब 35-36 हज़ार। जी, कब से काम कर रहे हैं? 2004 से। कितना किराया देते हैं आप? मकान का किराया सर मैं 3,000। और ये मकान तो आपके नाम पे है? जमीन मेरे नाम में है। जमीन आपके नाम पे, बाकी मकान पूरा ललन साहू बनवाना है। जी, तो किराया किसको देते हैं? ललन साहू को देता हूँ। कब से दे रहे हैं? 3-4 साल से दे रहा हूँ सर। नहीं, आपकी जमीन में मकान कैसे बन गए? तो लागत तो वही लगाए हैं सर। कितनी जमीन है यहाँ पर? अब ये तो जानकारी नहीं है सर मेरे को। जी, और कितने मकान बने हुए यहाँ पे? 5-6 रूम हैं। एसपी संजीव सिन्हा ने कहा कि जिले में सूदखोरी पर प्रतिबंध लगा हुआ है,
यदि कोई शिकायत पुलिस के पास आएगी तो सूदखोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में सूदखोरी प्रतिबंध है यहाँ पे, और ये आपके थ्रू हमको पता चला कि ऐसा कोई बात आई है सामने। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं है, और शिकायत आएगी तो उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। देख रहे हैं दखल न्यूज।